गाइस आज देखो यार कुछ ऐसी चीजें मैं खरीद के लेके आया हूँ जिनको देख के आज आपको मजा ही आ जाएगा गाइस। इसका नाम है डायनो रैप्टर। इसका मुंह देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है। आज मैं इसकी फाइट कराऊंगा स्पिनोसॉरस के साथ। ये भी एक बहुत ही डेंजरस डायनासोर है। और फाइट कराएंगे वेलोसी रैप्टर के साथ। ये एक मेरे पास ओरांगुटान भी है और ये एक डायनास्टॉर्म भी है। इसका साइज देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इन सभी की अनबॉक्स, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने खरीदा है बेसगार की तरफ से। अगर आप भी खरीदना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, या फिर आप इस वीडियो पर क्लिक करके लेफ्ट साइड में आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, वहां से भी जाकर आप चाहे तो डायनो रैप्टर को खरीद सकते हो। देखते हैं ये डायनासोर कितना ज्यादा डेंजरस है और ये भी देखेंगे क्या ये डायनासोर हमारे पास जितने भी डायनासोर है उन सभी को हरा पाएगा या फिर नहीं। बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक और प्लास्टिक का बॉक्स दिया गया है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि ये इसका रिमोट कंट्रोलर है। रिमोट भी देखो यार एक पत्थर की तरह इन लोगों ने दे रखा है, बहुत ज्यादा सॉलिड है। मेरे को तो ये पत्थर ही लगा। यहाँ पर इसके बटन्स है, ये बटन्स भी देखो यार कितने अलग टाइप के इन लोगों ने बना रखे हैं। यहाँ पर भी ये बटन ही है। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का नहीं है, ये इंफ्रारेड पे चल रहा है। पीछे की तरफ दो डबल ए बैटरीज डालनी पड़ती है। यहाँ पर है इसकी पूछ। अच्छा ये डायनासोर सब अलग अलग पार्ट में मेरे को मिला है। यहाँ पर इसके लेग्स भी पड़े हुए। भाई साहब इसके लेग्स काफी ज्यादा वजनदार है यार। इन लोगों ने क्या डाल रखा है इसके लेग्स के अंदर, काफी ज्यादा भारी भरकम है। अब दिखाता हूँ मैं ये डायनासोर आपको। ये थोड़ा सा अनकम्प्लीट लग रहा होगा, मैं आपको इसको थोड़ी देर में जुड़ा के भी बता दूंगा। अंदर यहाँ पर आपको एक इस तरह का कट देखने को मिलेगा। एक्चुअल में इसके जितने भी सेंसर हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसे हम इसको टर्न कराते हैं तो ये इस तरफ या फिर इस तरफ हिलने लगे। भाई साहब क्या ही डेंजरस दिखाई दे रहा है यार। इसका मुंह देखो इतना ज्यादा खुलता है कि टीथ काफी ज्यादा शार्प है। मेरे पास जितने भी डायनासोर है ना यार उनके मुंह थोड़े से ही खुलते हैं और इसका मुंह देखो यार इतना ज्यादा खुल रहा है। नीचे की तरफ रबर पैडिंग भी दी गई है। इसकी बैटरी अंदर की तरफ ही दी गई है, यहीं से हम माइक्रो यूएसबी लगाकर चार्ज भी कर सकते हैं। उसकी और भी चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे एक यूजर गाइड दी गई है और ये है इसका माइक्रो यूएसबी। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, देखो क्लिक की साउंड आती है और ये भी यहाँ पर इस तरह से बैठ चुका है। ओहो गाइस जैसे हम हाथ लगा रहे हैं यहाँ पे देखो यार एक छोटा सा बटन दिया गया है। मेरा हाथ इसके ऊपर जैसे ही लग रहा है ये इस तरह से भाई गुर्राने लग रहा है। काफी डेंजरस चीज लग रही है। अब देखो यार ये कितना ज्यादा भयंकर नजर आ रहा है। देखो गाइस ओ माय गॉड। अभी अनबॉक्स करते हैं स्पाइनोसॉरस को। पूरे यूट्यूब पर शायद ही आज तक किसी ने ये डायनासोर के बीच में फाइट कराई होगी गाइस। देखते हैं इन सभी डायनासोर में से कौन सा डायनासोर जीतता है। 2 महीने पहले खरीदा था यार। ये देखो यार पूरा का पूरा ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। तो इसका पहले मैं रिमोट दिखा देता हूँ। ये भी देखो यार एक फॉसिल फ्यूल जैसा दिखाई दे रहा है। आप इसको देखोगे ना गाइस आपको लगेगा कि ये कोई पत्थर है पुराने जमाने वाला। यहाँ पे भी बटन है, यहाँ पे इसको ऑन ऑफ स्विच है। काफी ज्यादा सॉलिड ये लग रहा है। तो भी ये डायनासोर भी निकाल लेते हैं और फटाफट से इसको भी जोड़ लेते हैं। ये डायनासोर नाइट में बहुत ज्यादा भयंकर दिखाई देता है। ये काफी ज्यादा रियल डायनासोर जैसा ही दिखाई देता है क्योंकि इसकी स्किन देखो यार कितनी ज्यादा खुरदुरी दी गई है। इसके ऊपर इस तरह की एक स्पाइन देखने को मिल जाती है, इसीलिए इसका नाम भी स्पाइनोसॉरस डायनासोर ही रखा हुआ है। रैप्टर के मुकाबले में इसका साइज थोड़ा सा छोटा मेरे को लग रहा है। इसके अंदर देखो अलग से बैटरी डालनी पड़ती है, ये है इसकी रिचार्जेबल बैटरी। अभी मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ डायनास्टॉर्म को। फटाफट से इसको यहाँ से मैं ओपन करके बता देता हूँ। ये डायनासोर को मेरे घर के पास एक लोकल शॉप से मैंने खरीदा था 4,000 रुपीज में। बहुत दिन हो गए यार मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है। आज देखते हैं ये मोटा तगड़ा डायनासोर हमारे रैप्टर के सामने टिक पाता है या नहीं। इसके अंदर मिलती है इस तरह की बैटरी। बैटरी बहुत छोटी दे रखी है यार इसके साइज के हिसाब से। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर। गोल्डन एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में काफी ज्यादा तगड़ा नजर आ रहा है। यहाँ पर डायनासोर के नाखून वगैरह भी दिए गए। इसके अंदर देखो ढेर सारे बटन देखने को मिल जाते हैं। ये IR सेंसर पर काम करता है। तो भी निकालते हैं हमारे डायनास्टॉर्म को। सच में गाइस ये कितना ज्यादा गोल मोटल और कितना ज्यादा भयंकर नजर आ रहा है। इसके लेग्स देखो यार कितने ज्यादा मस्कुलर है। अगर आप इसको सामने से देखोगे ना ये और भी ज्यादा डेंजरस नजर आता है। ये इसका माउथ है पर ये खुलता नहीं है गाइस। यहाँ पर इसके सींग दिए गए। अगर मैं नीचे दिखाऊं तो यहाँ पर इसका एक्चुअल में रोबोट की बॉडी दी गई है। जैसे रिमोट के अंदर एक बटन दबाएंगे तो ये उठ खड़ा होगा गाइस। इसके अंदर रॉकेट्स भी हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर इस तरह का कैनन भी दिया गया है। यहाँ पे एक स्पीकर है, यहाँ पे इसके व्हील्स है। तो इसके साथ कुछ रॉकेट्स वगैरह भी मिलते हैं। ये देखो ये रहे इसके रॉकेट्स। इसके रॉकेट जो हम लोगों को इसके बॉडी के अंदर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सभी को मैंने यहाँ पे रख दिया है। क्लियरली आप देख सकते हो ये जो रैप्टर है ये दोनों के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा बड़े साइज का नजर आ रहा है। बाकी ये जो डायनास्टॉर्म है इन सबका बाप लग रहा है गाइस मेरे को क्योंकि ये बहुत ज्यादा मस्कुलर है। चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर फटाफट से कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट। देखेंगे आज ये डायनासोर इन सबको हरा पाएगा या फिर नहीं। लेट्स गो एंड फाइट।
सभी आरसी एनिमल्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये सभी डायनासोर्स काफी ज्यादा गुस्से में मेरे को लग रहे हैं, पर ये मंकी का स्वैग देखो भाई, अलग लेवल का। सबसे पहले रैप्टर को टेस्ट करके देखते हैं इसकी कंट्रोलिंग कैसी दी गई है। प्रॉपर तरीके से रिमोट के अंदर बटन तो वर्क कर रही है, फॉरवर्ड भी जा रहा है, लेफ्ट को भी टर्न हो रहा है। रिमोट के अंदर मेरे को एक दिक्कत लग रही है गाइस, ये IR सेंसर का रिमोट होने के कारण इसको पॉइंटेड करके मेरे को चलाना पड़ रहा है। और इसके पैर भी देखो यार, यहाँ पे बरसात होने के कारण थोड़े से फिसलने लगे हैं। यहाँ पे ये एक बटन है, इसको मैं जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ तो ये अपने आप मुंह खोल के डराने की कोशिश कर रहा है। स्पाइनोसॉरस को टेस्ट करके देखते हैं, ये चलते समय उतना ज्यादा रियल डायनासोर जैसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी जो वॉकिंग है एक रोबोटिक टाइप दी गई है। और इसके रिमोट के अंदर भी देखो, ये डायनासोर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने का ही ऑप्शन दिया गया है। अगर हम लोगों को इसको टर्न कराना है तो जैसे हम रिवर्स लेते हैं तो ये थोड़ा सा सर्कल में चलने लगता है। अब टेस्ट करते हैं वेलोसिराप्टर को, ये कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप देख सकते हो अपनी पूंछ की मदद से ही अपना डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकता है, ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। और ये जब चलता है ना गाइस, बिल्कुल एक रियल डायनासोर जैसा ही चलता है। इसके साथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट मिला, इस वजह से इसकी कनेक्टिविटी मेरे को काफी ज्यादा तगड़ी लगी और इसको चलाना भी बहुत ज्यादा इजी है। अब टेस्ट करते हैं डायनोस्टॉर्म को, ये बहुत ज्यादा भारी भरकम एक डायनासोर है। रफ सरफेस पर ये प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहा है, इस वजह से मैं इसको इंडोर में लेके आ चुका हूँ। सबसे पहले इसको एक रोबोट बनाते हैं। देखो जैसे रिमोट के अंदर एक बटन मैंने दबाया, ये प्रॉपर तरीके से एक खतरनाक वाला रोबोट बन चुका है और अब यहाँ पर ये चलने भी लगा है। इसके लेग्स इतने ज्यादा मैस्कुलर, इसके वेट के कारण ये थोड़ा सा स्लोली स्लोली चलने लगता है। अब मैं रिमोट के अंदर सिर्फ एक बटन दबाऊंगा गाइस, ये वापस से डायनासोर बन जाएगा। देखो बटन मैंने दबा दिया, इसका जो रिस्पॉन्स है थोड़ा सा स्लो होता है, पर ये प्रॉपर तरीके से डायनासोर से रोबोट, रोबोट से डायनासोर बन सकता है। ये डायनासोर बनने के बाद में भी देखो जमीन पर स्टेप बाय स्टेप भी चलता है। अब ये ओरंगुटन मंकी को टेस्ट करके देखते हैं, ये मंकी बहुत तरीके से चलता है। ये भी देखो यार, हार्ड सरफेस पर प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है। रिमोट के अंदर मैं बटन भी प्रेस कर रहा हूं पर ये प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यहाँ पर अभी मैं इसको इंडोर में लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर देखो गाइस, ये बहुत कमाल तरीके से चल रहा है, लेफ्ट राइट आगे पीछे सही तरीके से ये चल रहा है बिना कोई दिक्कत के। अभी इसके साथ कुछ स्टंट्स वगैरह कराते हैं, ये बटन मैंने दबा दिया। अभी देखो ये जमीन पे इस तरह से लेट चुका है और यहाँ से ये बैक फ्लिप करने की कोशिश कर रहा है, बैक फ्लिप इसने सही से लगा दिया है। अभी ये हेड स्टैंड भी करके दिखा रहा है, इसी तरह के और भी कमाल कमाल के स्टंट कर सकता है। अब रेस कराते हैं ये दोनों डायनासोर के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन सा डायनासोर है सबसे ज्यादा फास्ट। रैप्टर डायनासोर थोड़ा सा मेरे को फास्ट लग रहा है स्पाइनोसॉरस के मुकाबले में। इसके पैर देखो यार, अभी भी यहाँ पर पानी गिरने के कारण थोड़े से स्लिप करने लगे हैं, फिर भी ये थोड़ा सा आगे निकल गया है स्पाइनोसॉरस के मुकाबले में। यहाँ पे स्पाइनोसॉरस इसकी पूंछ पकड़कर इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, पर रैप्टर डायनासोर ने रेस को जीत लिया है बहुत आसानी से। अब देखते हैं ये रैप्टर डायनासोर वेलोसिराप्टर को भी रेस में हरा पाता है या नहीं। जैसे ही मैंने रेस स्टार्ट किया, वेलोसिराप्टर काफी ज्यादा आगे निकल गया है, ये प्रॉपर तरीके से बैलेंस बनाकर चल रहा है गाइस। देखो बिल्कुल भी इसके जो पैर है यहाँ पे स्लिप नहीं हो रहे, इस वजह से इसकी स्पीड जो है काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो क्लियरली आप देख सकते हो वेलोसिराप्टर बहुत ज्यादा फास्ट है रैप्टर के मुकाबले में। अब देखते हैं ये वेलोसिराप्टर इन दोनों को हरा पाता है या नहीं। जैसे ही मैंने रेस स्टार्ट की है, वेलोसिराप्टर की स्पीड देखो यार, अनमैचेबल है भाई साहब। अभी तक तो अपना डायनोस्टॉर्म स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वेलोसिराप्टर एक राउंड लगा के वापस भी यहाँ पर आ चुका है। क्लियरली वेलोसिराप्टर सबसे ज्यादा तेज डायनासोर है। अब ये दोनों डायनासोर्स के बीच में कराते हैं आमने सामने वाली फाइट, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर। रैप्टर का मुंह इतना ज्यादा बड़ा है कि यार देखो, इसने स्पाइनोसॉरस की गर्दन मरोड़ के रख दी है और इसने इसके एक पैर को पकड़ रखा है और मेरे को लग रहा है इसको बहुत जोर से काटे जा रहा है। क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो स्पाइनोसॉरस का काम तमाम करके रख दिया है रैप्टर ने। अब इन दोनों के बीच में कराते हैं फाइट, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीतता है। दोनों ही यहाँ पर भिड़ चुके हैं, मेरे को लग रहा है दोनों ही रेसलिंग कर रहे हैं। देखो दोनों ही धक्का मारकर एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। रैप्टर यहाँ पे गिरने ही वाला था पर रैप्टर ने पूरी तरीके से बाजी पलट के रख दी है और वेलोसिराप्टर को नीचे पटक दिया। और ये वेलोसिराप्टर नीचे गिरने के बावजूद भी देखो अपने पैरों से रैप्टर के मुंह पे मारे जा रहा है, मुक्के पे मुक्का, पर रैप्टर यहाँ पर कुछ भी कम नहीं है गाइस। रैप्टर ने इसको पूरी तरीके से दबोच लिया और इसने वेलोसिराप्टर को भी हरा के रख दिया है पुशबैक में और पावर में। नो डाउट ये रैप्टर सभी डायनासोर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब देखते हैं गाइस, क्या ये रैप्टर जीप रूबिकॉन को अपनी पूंछ से बांधकर खींच पाता है या नहीं। खींच तो रहा है पर इसकी देखो यार बैलेंस यहाँ पर बिगड़ चुकी है पूरी तरीके से। ये थोड़ा सा राइट की तरफ जा रहा है और यहाँ पर इसका बैलेंस खराब होने के कारण ये नीचे भी गिर चुका है। अभी सेम टेस्ट करते हैं स्पाइनोसॉरस के साथ। स्पाइनोसॉरस प्रॉपर तरीके से चल रहा है पर इसका भी बैलेंस बिगड़ चुका है और ये भी धड़ाम से नीचे गिर चुका है। ओके अब टेस्ट करते हैं वेलोसिराप्टर को, देखते हैं गाइस ये जीप रूबिकॉन का वेट खींच पाता है या नहीं। मैं तो यहाँ पे तरीके से सरप्राइज हो चुका हूँ। देखो गाइस कितना प्रॉपर तरीके से ये जीप रूबिकॉन को खींच के लेके जा रहा है और इसका बैलेंस भी बिल्कुल यहाँ पे सही बना हुआ है। अगर इसके पीछे मैं एक बहुत बड़ा ट्रक भी बांध दूं ना तो भी ये इतना ज्यादा वेट लेके जा सकता है।
तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये सभी डायनासोर में से कौन सा डायनासोर अच्छा लगा। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है संदीप, समीर, आकाश, करण, हमजा, अभिज्ञान, शौर्या, साजिद, दीपक, उज्जवल। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।